केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन की खबर ने पूरे लोजपा को झकझोर के रख दिया है, या यूं कहें बिहार और पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लोजपा पार्टी दफ्तर में सभी की आंखें नम हैं, सभी के चेहरे काफी उदास है और रो रोकर सभी का जो है वो बुरा हाल हो चुका है। हमारे साथ लोजपा के मीडिया प्रभारी हैं कल्लू, क्या इस तरह कितनी परिस्थितियां कितनी बिगड़ गई है? राजनीति के राम कहे जाने वाले और हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी हम लोगों को छोड़ चले गए। जो माता पिता पुत्र को जन्म देता है उसी का हक नहीं होता है बाप कहलाने का। हम उनको अपने पिता जैसे मानते थे। 5 जुलाई 2020 को करीब 1:30 बजे के आसपास 1.5 मिनट तक उन्होंने फोन पे वार्तालाप हुई थी, उनका जन्मदिन की हमने उन्हें बधाई दी। आखिरी बात उस दिन हुई थी आपकी? 1.5 मिनट तक बात हुआ। कल्लू तुम कुछ कह रहे हो? कल्लू तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो पार्टी में और आगे मेहनत करो। हमने जी साहब आप कब आएंगे साहब? तो बस हम जल्द आएंगे। सर स्वस्थ हैं आप? तो हाँ हम स्वस्थ हैं। और तुम्हारे घर में माँ पापा फैमिली के लोग कैसे हैं? हमने जी ठीक। हमारी माँ जब पारस हॉस्पिटल में एडमिट थी, हमारी माँ का जब देहांत हो गया, सभी कार्यक्रम में पासवान जी हॉस्पिटल से लेकर के हमारी माँ के श्राद्ध तक और लगातार फोन पे बात करना, हमारा उंगली में एक छोटा सा घाव हो गया था जिसके वजह से एक ऑपरेशन हुई थी, लगातार पासवान साहब हमसे फोन पे लगातार बात करते रहे, कैसे हो तुम, ठीक हो, तुम्हारा कमी महसूस हो रहा है, तुम कार्यक्रम जो कारगिल चौक पे हम कार्यक्रम करते थे लगातार 1 महीने तक बंद हो गया था, तुम कहाँ हो, जल्दी से ठीक हो के आओ। भैया हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमारे आवाज़ पे तुरंत आए हमको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि वो हमारे पिता समान और हमको देख रहे करते, सिर्फ और सिर्फ हमको नहीं पूरे कार्यकर्ताओं को। बहरहाल हम बहुत छोटे से, आज मेरा 13 साल हो गया इस पार्टी में, हम इतना ही में ही आए थे पार्टी में और आज उनके ही देन से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने आज अपने पिता को खो दिया है, आज हमने अपने पिता को खो दिया है। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, वो किस तरह के इंसान थे और वो कैसा नेता थे जो उन्हें वो सबसे अलग थे, इसके बारे में देखिए। देश में बिहार में नेता बहुत आए, बहरहाल जिस तरीके से उनका एक लोगों के प्रति छवि, विश्वास, तमाम पत्रकार के साथियों के साथ बैठकर भोजन करना, पत्रकार लोगों को कभी कभी भोजन अपने से बना कर खिला देना, हर बात को उनके तक पहुंचाना, सुख दुख कैसे हम प्रधानमंत्री जी से मिले, कैसे हम गृह मंत्री से मिले, किन मुद्दों पे बात किए, तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये तो नेता ही नहीं थे, ये तो सबके मार्गदर्शन थे, अभिभावक थे, हमारे पिता थे, पिता से कम नहीं हम उनको मानते हैं। और जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका एक सपना था, उस सपने को पूरा करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई सम्मान आदरणीय चिराग पासवान जी, और उस पूरे सपने को साकारने और संवारने में लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बिहार की 12 करोड़ जनता उनके साथ खड़े है। ईश्वर से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदरणीय संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी की आत्मा को शांति प्रदान करें, वो जहाँ भी रहें हमारे दिल में है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा, ये मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। मीडिया प्रभारी भी हैं, ऐसे में कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। आज लगभग 5:30 के आसपास इंडिगो फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना के एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, उसके बाद पार्टी दफ्तर में भी लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, और कल दीघा घाट के जनार्दन घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जिसमें बिहार के राज्यपाल वगैरह, गार्ड ऑफ ऑनर मुख्यमंत्री वगैरह की आने की संभावनाएं हैं। शायद बिहार विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर जाए। अब क्या चिराग साथ नहीं, बिल्कुल पूरा फैमिली का जो भी सदस्य हैं वो सब लोग आ रहे हैं, और बाकी के कुछ जो हमारे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता ने, हम लोग भी फैमिली ही हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। ये कमी हमेशा चले, कमी तहे जिंदगी, जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं उनकी कमी हमें खोलती रहेगी। चूंकि हमने एक पिता को खोया है, बहुत हमको मानते थे, बहुत मानते थे। इस तरह की ही तस्वीरें लोजपा पार्टी दफ्तर में देखने को मिल रही है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही पसरा है, और चारों तरफ जो लोग हैं वो उनके आंखों में सिर्फ आंसू।